एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एलजेब्रा। आज हम एलजेब्रा के कुछ बेसिक्स देखेंगे। ये बेसिक्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एलजेब्रा के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये बेसिक उस टाइप का है लाइक जो कोई भी स्टूडेंट अपनी 5th और 6th क्लास में करता है। आप सभी में से बहुत लोगों के बेसिक्स जो है वो काफ़ी ऑलरेडी पहले से क्लियर होंगे, बट ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका बेसिक्स भी थोड़ा डगमगाया हुआ है या वो भूल गए हैं, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, तो प्लीज़ मेरी इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, इसे सीखिए, एंड अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ एज अ नोट्स उसको राइट डाउन कीजिए, बिकॉज ये नोट्स आपको रिविजन के टाइम में काम आने वाले हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं। यूपीएससी सी से 2009 में क्वेश्चन आए हैं, 2010 में आया है, 11 में आया है, 13 में आया है, एंड पीसीएस के काफ़ी एग्जाम्स जो होते हैं पीसीएस के अलग अलग स्टेट्स के, उनमें भी आपको ऐसे इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड प्लीज़ इसको देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा में हम सबसे पहले देखने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, रिटर्न होता है एक फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है, जो कि हो सकता है f(x), जहां पे पहला नंबर कुछ होगा उसको हम मान लेते हैं a0 या a0। ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसके साथ प्लस में होता है a1 होता है, ये कोई नंबर होगा, और फिर एक वेरिएबल होता है x। फिर एक और टर्म होती है a2, उसके साथ वेरिएबल होता है x2। फिर एक और टर्म होती है a3, उसके साथ वेरिएबल होता है x³। ऐसे सो ऑन ये चलता रहता है, और ये इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसी इक्वेशंस में, ऐसे एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म मिलेंगे जिसमें या तो कोई सिंगल डिजिट नंबर होगा, या फिर सिंगल डिजिट नंबर के साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आपको दूसरी टर्म मिलेंगी जिसमें एक्स होगा, x² होगा, x³ होगा, और एक्स की कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस पॉलिनोमियल में काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हैं, और मोस्टली उन फॉर्मूलाज को यूज करके ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछता है, तो आपको वो फॉर्मूला पता होंगे तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए होता है ना, जो ये ए है, a0, a1, a2, a3, ये सब नंबर है। अब ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, -2, +3, 1, 7, 8, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, इन्हीं पॉलिनोमियल के ना कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप पॉलिनोमियल का होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, इसमें क्या होता है, जब भी आपको गिवन एक्सप्रेशन में एक ही टर्म मिले, ठीक है, ओनली वन टर्म, कोई एक्सप्रेशन दिया है और उसमें आपको एक ही टर्म मिल रहा है, तो उसको मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 4x। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देती हूँ, 3x की पावर 7 मान लीजिए। ठीक है, मतलब कि एक सिंगल क्या बोलते हैं टर्म है, 4x, 3x, 7, एनीथिंग इट कैन बी, बट इनके साथ प्लस और माइनस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके साथ कोई और दूसरा टर्म जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ज्वाइन नहीं है, ये जो भी है अकेले हैं, एंड मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशंस जिसमें ओनली वन टर्म प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। उसके बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है, बायनोमियल में टू टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। इन बायनोमियल वी हैव टू टर्म्स, और टू टर्म्स किसी भी तरीके से हो सकती हैं, बस आपको टू टर्म्स मिलेंगी जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए 2x+5x की पावर 3, या बोल लीजिए x³। ठीक है, तो अब आपने देखा ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, और इस पूरे एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो जब किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म दिए हुए होते हैं तो वो बायनोमियल कहलाता है, एंड बाय का मतलब होता है टू।
मोनो का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखें तो हम लिख सकते हैं 7 + 4x². इसमें भी दो टर्म अवेलेबल है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसको बायनोमियल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड आई नो अब आप इस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ट्राइनोमियल का क्या मतलब होने वाला है। ट्राइनोमियल का मतलब है थ्री टर्म्स, वो एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मान लीजिए 2 + 3x² + 5x⁴। ये मेरा एक पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स प्रेजेंट होती हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राई का मतलब थ्री, ठीक है। और फिर उसका क्या नाम होता है, अगर तीन से भी ज्यादा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो तीन से ज्यादा अगर होता है फिर वो चाहे कोई भी नंबर हो उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। पॉलीनोमियल 4 के लिए, 5 के लिए, 6 टर्म्स के लिए, 7 टर्म्स के लिए कोई डिफरेंट नेम नहीं है, 1, 2 और 3। अगर ऐसे ऐसे टर्म्स है, सिंगल टर्म है, तो उसका एक नेम है मोनोमियल, 2 का बायनोमियल, 3 का ट्राइनोमियल। अगर 4 या 4 से ज्यादा कितनी भी टर्म्स हो उनको हम पॉलीनोमियल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। 4 और मोर टर्म्स फिर वो पॉलीनोमियल कहलाता है, 4 और मोर टर्म्स जो है वो पॉलीनोमियल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं x + 3x² + 7x³ + 5x⁴। तो ये है 4 टर्म्स है, तो 4 को हम पॉलीनोमियल कहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें और आ जाता 8x⁷, ये फिर भी पॉलीनोमियल ही रहता। आ जाता 10x⁹, ये फिर भी पॉलीनोमियल होता। तीन के बाद यानी कि 4 या 4 से ज्यादा कितने भी टर्म्स हो उसे हम पॉलीनोमियल ही कंसिडर करते हैं, उसके बाद कोई इनका स्पेसिफिक नेम नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ओनली 3 तक है। 3 के बाद 4 एंड 4 और मोर टर्म्स वाले नंबर को, सॉरी एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक वो है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि मैं बताना चाहती हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स जो होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है ये, जिसमें है 2, 3x, 7x² 4x⁵। ये एक एक्सप्रेशन है और आपसे पूछा है कि इस गिवन एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। इट मींस कि गिवन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 5 है। 5 से छोटा 2 है, 2 से छोटा यहाँ 1 है, और इसके पास तो कोई पावर वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर की तो बात ही नहीं आती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है गिवन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x⁵, तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ 5, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ इसमें 5। मान लीजिए एक और है लाइक 1/2x + 3x² + 8x⁵ + 7x⁶। ये आपको एक और पॉलिनोमियल दे दिया है। अब पूछा है कि बताओ इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आई नो आप लोग बहुत इजीली बता पा रहे होंगे। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है x⁶, यानी कि हाईएस्ट इज 6, 6 पावर सबसे बड़ी है। एक्स की और भी पावर वाले नंबर हैं, x⁵ है, x⁴ है, x⁵1 है, पर हाईएस्ट x⁶ है, 6 है। इट मीन्स डिग्री जो हुई इस पॉलिनोमियल की वो हुई 6, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको वो बायनोमियल ट्राइनोमियल बताया, वो भी टाइप्स हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थोड़े और हैं बट वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइप्स हैं उसके। आप जब इन्हें देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये क्या टाइप्स हैं। ये टाइप्स जो कि डिपेंड करते हैं
एक्स की क्या पावर है उस हिसाब से, जैसे कि सबसे पहला टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है वो एक्सप्रेशन जिसमें एक्स की पावर वाला कोई नंबर या मतलब एक्स अवेलेबल ही नहीं है। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है एट, एक है 5/2, तो जीरो पॉलिनोमियल यानी कि यहाँ एक्स अवेलेबल ही नहीं है, एक्स की पावर यहाँ जीरो है। एक्स की पावर जीरो है तभी तो वो वन हो जाएगा, और वन का प्रेजेंट 1 8 8 मतलब यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की पावर इज जीरो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स वहां है ही नहीं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं बट एक्स की पावर वन से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, एक्स की पावर वन ही रहने वाली है। जैसे कि मान लीजिए 3x+2, एक्स की पावर यहाँ वन है, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन दे दूं मैं 7x+9, ये भी एक्स की पावर वन है। तो मतलब जिसमें एक्स जो अवेलेबल है उसकी पावर वन ही रहे, वन से ज्यादा नहीं, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही रहने वाली है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जीरो का मतलब एक्स की पावर 0, नो नो एक्स। लीनियर का मतलब एक्स की पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स की पावर 2, यानी कि 2x² + 5, मान लीजिए 2x² + 5, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर हो उसमें वो 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो 7x² + 3x + 1, तो यहाँ पे भी एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद एक और आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर विल बी 3, जैसे कि मान लीजिए 2x³ - x² + 8x + 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है एक्स की वो है 3, ठीक है। एक और लास्ट है वो है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 4, ठीक है। लाइक इसका एक्सप्रेशन हो सकता है 4x⁴, 3x³, 9x² - 6x+1, मान लीजिए है, तो इसमें हाईएस्ट पावर है x⁴, और हाईएस्ट पावर x⁴ है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स से तो आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल बताते हैं, डिग्री जो होती है इससे ये वाली स्पेसिफिकेशंस आती हैं, ये वाली टाइप्स आती हैं पॉलिनोमियल की। एक्स की पावर हाईएस्ट 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर गिवन एक्सप्रेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है एंड जीरो है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको सॉल्व करके आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और काफी इजी क्वेश्चन है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और एक्सप्रेशन है 3x³ - 2x² + x - 2। ये एक गिवन एक्सप्रेशन है जिसमें आपको एक्स को 1 पुट करके मेरे को आंसर बताना है इसका, और आंसर बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो कौन सा क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल है, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप मुझे बताएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें आपको उसकी वैल्यू बतानी है, और ये जो एक्सप्रेशन है ना उस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको मुझे बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। आप दोनों आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, एक इसमें तो आपको बता ही दिया मैंने कि आपको क्या करना है। एक और क्वेश्चन है उसमें आपको दो एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, आपको उसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पता लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। सेम वही फर्स्ट वाले में भी आपको जो पता लगाना है इनमें भी आप पता लगाएंगे।
तो वो दो इक्वेशंस हैं, 3x² 4x+5। एक इक्वेशन ये है जिसका आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे बाय यूजिंग द डिग्री गिवन इन द इक्वेशन, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन है 3+3z+4z की पावर 4। आप मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज, जरूर से, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी सारे हैं, बट मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ, और कुछ तो जो भी मैं आपको बताऊँगी आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला x+y का होल स्क्वायर। x+y का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा, प्लस 2xy, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन आ जाती है, यहाँ पे अगर बीच में माइनस हो तो क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इनका तो स्क्वायर ही होगा क्योंकि y यहाँ पे नेगेटिव है, बट अगर उसी y का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो प्लस। फिर क्या होता है, 2xy तो होगा पर यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस y के नेगेटिव की वजह से यहाँ पे 2xy जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है x+y के होल स्क्वायर में और x-y के होल स्क्वायर में, कि 2xy के आगे प्लस वाले केस में प्लस लगता है, माइनस वाले केस में माइनस लगता है, और क्यों लगता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक और फॉर्मूला आता है, x² - y² का, जिसका आंसर होता है, मतलब जिस जो फॉर्मूला है x+y, ठीक है, x+y एंड x-y, ये है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी तक था x और y सिर्फ दो टर्म, क्या होगा अगर ये तीन हो जाएंगी तो, अगर ये तीन हो जाएंगी तो क्या होगा, तो देखते हैं फिर क्या होता है फॉर्मूला। x+y+z का होल स्क्वायर है अगर, तो फॉर्मूला होता है x² + y² एक एक बार सबका स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा, फिर 2 कॉमन निकाल के एक बार एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, फिर y एक बार z से मल्टीप्लाई होगा तो y z, और फिर z जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो z x, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। फिर एक और फॉर्मूला है, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, अगर x plus y का होल स्क्वायर है और एडिशन में ही x - y का होल स्क्वायर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2x² + y²। और ये आपको आंसर कैसे मिलेगा ये देखते हैं, ये रहा x+y का होल स्क्वायर, ये रहा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये -2xy से +2xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x² और 2y² जो कि आपस में ऐड होकर 2x² + 2y² दे जाएंगे, जिसकी वजह से 2 कॉमन निकल जाएगा तो वो 2x² + y² हो जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला प्लीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी काम के और यूजफुल हैं आपके लिए। एक है x+y का होल स्क्वायर है और बीच में अगर माइनस आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर पे, x - y का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा आंसर 4xy। चलिए ये भी देखते हैं ये कैसे हो गया, ये दोनों है इनके बीच में माइनस का साइन आ गया, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये x² ये माइनस का हो जाएगा, y² भी माइनस का हो जाएगा, प्लस पर ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि होल के बाहर एक माइनस होगा, है ना, तो x² - x² से कैंसिल, y² - y² से कैंसिल। ये 2xy प्लस है और ये वाला भी प्लस हो चुका है उस माइनस से मल्टीप्लाई होके, तो प्लस हो जाएंगे जब 2xy + 2xy, जो कि आपको आंसर देंगे 4xy। तो इस तरीके से हमको 4xy मिला, ठीक है। तो आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको बेसिक के नाम पे यही सब बताना चाहती हूँ, और अभी और भी काफी सारी चीजें हैं आगे जानने के लिए। अभी अब में हमने स्क्वायर के फॉर्मूला देखे हैं, अभी क्यूब को देखना बाकी है, ठीक है, और काफी सारे मेथड्स भी अभी बाकी हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, काफी सारे मेथड्स हैं जो अभी जानने बाकी हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैंने ज्यादा लंबी नहीं बनाई है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपका फीडबैक मुझे अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा और जानने में हेल्प करेगा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें और आपको जो भी इशू नज़र आता है वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।